إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء اکرام دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حاضرین جلسہ نوجوان دوستوں بزرگوں پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے اور جو علا کل شیئن قدیر ہے بعدہو قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محبوب نبی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ حضرات میں پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں آیا ہوا ہوں لیکن مجھے یہاں آ کر کے بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے بڑا عجیب لگ رہا ہے ایک اچھی خاصی تعداد میری دائیں طرف بیٹھی ہوئی ہے اچھی خاصی تعداد میری بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہے کافی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کی طرف لیکن آگے کی طرف کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کی یہاں کا سب سے بڑا المیہ ہے اور وہ المیہ یہ ہے کہ صاحب ہمارے یہاں جلسے تو بہت ہوتے ہیں
बिहार आ जाइए, बंगाल आ जाइए, जलसों की जलसों का जाम लगा हुआ है, जलसे बेइंतहा हो रहे हैं, लेकिन जलसों के अंदर बैठा कैसे जाता है, जलसों के अंदर सुना कैसे जाता है, हमें और आपको इस बात की बिल्कुल भी तौफीक नहीं होती है। कोई जलसे के अंदर मजे लेने के लिए आता है, कोई जलसे के अंदर बाजार करने के लिए आता है, कोई जलसे के अंदर दोस्तों से मिलने के लिए आता है। मेरे भाइयों, अगर आपको यहाँ दोस्तों से मिलने के लिए आना है, मोबाइल चलाने के लिए आना है, यहाँ गपशप करने के लिए आना है, मजाक करने के लिए आना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ से चले जाएं। अगर इस जलसे में आना है तो नियत लेकर के आओ कि हम यहाँ कुरान और हदीस सुनने के लिए आएंगे। अगर इस जलसे में आना है तो ये सोच करके आओ, यहाँ पर हमें अल्लाह का कुरान सुनना है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनना है। मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो दाई तरफ बैठे हो, बाई तरफ सब सामने आकर के बैठ जाएं। सारे के सारे लोग सामने आकर के बैठ जाएं। जी बैठ गए सब, सब बैठ गए हैं। हाँ बोलिए, हाँ अब तक सर मत हिलाइए, हाँ बोलिए। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातें सुनने के साथ उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया है। अल्लाह की कितनी मखलूक है दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता है, लेकिन माहिरे हैवानात ने अब तक जितनी मखलूकात की खोज की है वो तकरीबन 70 लाख है। इंसान भी मखलूक है, जानवर भी मखलूक है, परिंदे भी मखलूक है, रेंगने वाले, उड़ने वाले, दहाड़ने वाले, चलने वाले, फाड़ने वाले, दहाड़ने वाले, ये सारी अल्लाह ताला की मखलूक है। तो दुनिया के अंदर 70 लाख मखलूक अल्लाह की मौजूद है। अल्लाह ने उन 70 लाख में सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को बनाया है। अल्लाह ताला फरमाता है वलकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है, हमने मनुष्य को सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है, हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा ग्रेट बनाया है। अल्लाह ताला की एक मखलूक ऐसी है जिसे फरिश्ते कहते हैं, वो अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, वो अल्लाह के लिए रुकू करते हैं, वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने उस मखलूक से इंसान को सजदा करवाया। कुरान उठाइए, सूरह बकरा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ। اللہ نے فرشتوں سے کہا, आए फरिश्तों में जमीन के अंदर खलीफा बनाने जा रहा हूं,
मैं जमीन के अंदर नई मखलूक बनाने जा रहा हूं, इंसानों को बनाने जा रहा हूं। फरिश्ते कहते हैं अतजअलु फीहा मै युफसिदु फीहा वयस्फिकु दिमा, आए अल्लाह ये जो तू नई मखलूक बना रहा है ये दुनिया में जाकर खून खराबा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। आए अल्लाह जिस तरह जिन्ना दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं, फसाद फैलाते हैं, ये नई मखलूक भी दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़ा करेगी, फसाद फैलाएगी, एक दूसरे की गर्दनें काटेगी, एक दूसरे को मारेगी। अल्लाह ताला फरमाता है قال اني اعلم ما لا تعلمون, आए फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, आए फरिश्तों जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम है। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते लम्मा सव्वर अल्लाह आदम फिल जन्ना व तरकू माशा अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, व तरकू माशा अल्लाह स्टैचू बनाया, हजरत आदम की मूर्ति बनाई और जितना चाहा छोड़ दिया, अल्लाह ने रूह नहीं डाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का स्टैचू, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति खड़ी हुई है। हजरत आदम को अल्लाह ने कहां बनाया बोलो? जन्नत के अंदर। कहां? जन्नत के अंदर। कभी आपसे कोई सवाल करे कि आदम को कहां बनाया गया, आप कहिए जन्नत के अंदर, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम्मा सव्वर अल्लाह आदम फिल जन्ना, अल्लाह ने आदम को जन्नत के अंदर बनाया। तो आदम अलैहिस्सलाम कहां बनाए गए? जन्नत के अंदर। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं स्टैचू बनाया, हजरत आदम की मूर्ति बनाई और वो जन्नत के अंदर खड़ी हुई है, अभी उसके अंदर रूह नहीं फूकी गई। इबलीस का गुजर हुआ, कौन इबलीस? ये भी शैतान नहीं है, ये जिन्नात है, लेकिन ये फरिश्तों के साथ रहता है, ये फरिश्तों के साथ इबादत करता है, इसको फरिश्तों का मकाम दे दिया गया है। ये इबलीस का गुजर हुआ, इसने हजरत आदम को देखा, खड़ी हुई मूर्ति को देखा, कहने लगा यही अल्लाह की वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने दुनिया के लिए बनाया है। हदीस के अंदर आता है उसने सैयदना आदम की स्टैचू के अंदर ऐसे उंगली मारी, हाथ मारा, और जब हाथ मारा तो अंदर से आवाज आई, इबलीस वहीं पर समझ गया ये अल्लाह की मखलूक अंदर से बिल्कुल खाली है, अंदर से बिल्कुल खोखली है। हदीस के अंदर आता है फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम के स्टैचू के अंदर रूह फूंक दी, हजरत आदम के स्टैचू के अंदर रूह फूंक दी, हजरत आदम के अंदर रूह आ गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया गया, फरिश्तों के सामने लाया गया। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है आए फरिश्तों सजदा करो आदम को सजदा करो, फसजदू सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अबा वस्तकबरा, उसने नाफरमानी कर दी, गुरूर कर लिया, कहने लगा खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीर, आए अल्लाह मैं आदम को सजदा कैसे करूं, आए अल्लाह तूने इसको मिट्टी से बनाया है, आए अल्लाह मुझे आग से बनाया है, अस्जुदु लिमन खलकता तीना, आए अल्लाह मैं आदम को सजदा कैसे कर सकता हूं, ये मिट्टी की बनी हुई मखलूक है, आए अल्लाह मैं आग से बनाया गया हूं, आए अल्लाह मैं आदम को हरगिज सजदा नहीं कर सकता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है अबा वस्तकबरा, गुरूर कर लिया, तकबर कर लिया, घमंड कर लिया, वकान मिनल काफिरीन, वहीं से निकाल दिया गया, वकान मिनल काफिरीन, वो काफिर हो गया। अभी फरिश्ता था, फरिश्तों के साथ रहा करता था, मुजरिम करार दे दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया, आसमानों से निकाल दिया गया, वकान मिनल काफिरीन, काफिर करार दे दिया गया। मेरे भाइयों,
आप जरा शैतान को देखें, ये शैतान कौन है? याद रखिए ये जिन्नात है। शैतान कौन है? ये जिन्नात है। लेकिन ये इतनी ज्यादा अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह ने इसको फरिश्तों का मकाम दे दिया। लेकिन जब इसके अंदर गुरूर पैदा हो गया, तकब्बुर पैदा हो गया, ये फरिश्तों से शैतान बन गया, काफिर करार दे दिया गया, ये मलून करार दे दिया गया, ये लानती करार दे दिया गया, ये मर्दूद करार दे दिया गया। आज भी हम जब कुरान पढ़ते हैं, उससे पहले जब शैतान का नाम लेते हैं, उसके साथ साथ रजीम भी लगाते हैं। अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ मर्दूद शैतान से, धुतकारे हुए शैतान से। वो काना मिनल काफिरीन, वो काफिर हो गया। मेरे भाइयों, मुझे बताए शैतान की कौन सी गलती थी? कोई गलती नहीं, बस एक गलती, एक जुर्म, और वो ये था, आए अल्लाह मैं इस मिट्टी की बनी हुई मखलूक को सजदा कैसे करूं। घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, दिल के अंदर घमंड तकब्बुर मलाल पैदा हुआ, अल्लाह मैं इसको सजदा नहीं कर सकता हूं। अल्लाह ने वहीं पर मर्दूद करार दे दिया, धुतकार दिया। इसीलिए उलमा कहते हैं, मेरे भाइयों, ये तकब्बुर, ये गुरूर, ये घमंड बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी आलिम के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, उसका इल्म बेकार। अगर किसी आबिद के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, उसकी इबादत बेकार। अगर किसी खतीब के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, उसकी खिताबत बेकार। अगर किसी कारी कुरान के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, उसका वो अमल बेकार। अगर किसी सदका करने वाले के अंदर तकब्बुर हो जाए, मैं सदका देता हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, उसका सदका देना बेकार। मेरे भाइयों, तकब्बुर ना करना, गुरूर ना करना। एक गलती शैतान ने की, वो ये कि तकब्बुर किया, अल्लाह ने मर्दूद करार दे दिया, अल्लाह ने धुतकार दिया। मेरे भाइयों, तकब्बुर ना करना। अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है, तो वो अल्लाह ने दिया है, इसमें आपकी कोई खासियत नहीं है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। पैसा किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। आप अगर खूबसूरत है, तो आपको खूबसूरत किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। आप अगर आलिम दीन है, तो आपको आलिम दीन किसने बनाया है? ये अल्लाह की तौफीक थी। अगर अल्लाह की तौफीक ना होती, तो आप कभी आलिम दीन नहीं बन पाते, आप कभी मौलाना नहीं बन पाते। तो कभी गुरूर ना करना मेरे भाइयों, तकब्बुर ना करना। वकाना मिनल काफिरीन, काफिर करार दे दिया गया। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा करना जायज नहीं है? लेकिन ये अल्लाह ताला फरिश्तों को कह रहा है, फसजदू, आए फरिश्तों सजदा करो। मुझे बताओ, ये कौन सा सजदा है? कौन सा सजदा है? ये सजदा ताजीमी है, ये रिस्पेक्ट के लिए सजदा है, ये सजदा ताजीमी है। पहले नबियों की शरीयत के अंदर भी सजदा ताजीमी करना जायज था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके भाई, उनके माँ बाप ने सजदा किया, ये सजदा ताजीमी है, और ये सजदा ताजीमी करना जायज है। और मैं आपको एक अकली जवाब ये भी देता हूं, मेरे भाइयों, एक काम हराम है और अल्लाह के देख कर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। जी हाँ, एक काम हराम है और अल्लाह कह देकर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। नहीं समझ में आया? ये बताओ, बच्चे को कत्ल करना जायज है या हराम है? आप कहेंगे, मौलाना साहब, हराम है। किसी को भी कत्ल करना हराम है।